नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होगी। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा की जाएगी। कल ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने शुक्रवार को पदभार संभाला और उसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की थी और उसके बाद प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दी गई थी कि आज दोपहर चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाएगी। तो यानी कि आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जानकारी इस बात की दी जाएगी कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख क्या होगी, कितने चरणों में ये चुनाव कराए जाएंगे, साथ साथ राज्यसभा के भी जो राज्य के चुनाव हैं उनको लेकर भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी अपडेट आज की, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही रहने वाली है। तमाम पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है, ग्राउंड जीरो पर। चाहे उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, देश भर में तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। और ऐसे में आज दोपहर 3 बजे के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखें क्या रहेंगी, कितने चरणों में होगा और किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा, इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा की जाएगी। कल ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई थी। सीधा हमारे सहयोगी नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव की जो तारीख होगी उसका ऐलान किया जाएगा। देखिए अंकिता, बिल्कुल 3 बजे इसी विज्ञान भवन में जहां हम खड़े, एक बार आपको विज्ञान भवन की तस्वीरें दिखा दे। विज्ञान भवन में ही पिछला 2 लोकसभा चुनाव है, यानी 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव की घोषणा भी यहीं हुई थी। एक दिन बुधवार था, एक दिन रविवार था और आज शनिवार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि आज जो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, न्यूज 18 इंडिया आपको बार बार बता रहा है कि 6 से 7 चरणों में मतदान होंगे और मई के अंत या जून के पहले हफ्ते में मतगणना की तारीख होगी। देखिए 14 से 16 राज्य ऐसे हैं देश के जहां एक चरण में ही मतदान करा लिए जाएंगे, यानी 14 से 16 राज्य ऐसे हैं जहां एक चरण में मतदान करा लिए जाएंगे। देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दे तो बाकी 7 में एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। तिथियां अलग अलग होंगी लेकिन वहां एक ही चरण में मतदान होंगे। 12 से 14 राज्य देश के ऐसे हैं जहां 1 से लेकर 6 से 7 चरणों में मतदान होंगे। दिल्ली में एक चरण वाले केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार, यूपी और बंगाल की बात करें तो यहाँ 6 से 7 चरणों में मतदान होंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 1 चरण में मतदान होगा। राजस्थान, मणिपुर में 1 से 2 चरणों में मतदान हो सकते हैं। अगर एक चरण वाले राज्यों की बात करूँ, उनमें और कुछ नाम आपको बता दें, राज्यों के नाम का जिक्र करें, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक बार अरुण का सीधा रुख कर लेंगे। अरुण, सियासी घमासान का काउंटडाउन शुरू हो रहा है आज से। देखिए निश्चित रूप से सबको इंतजार था और राजनीतिक दलों को इंतजार था। हालांकि जितना उत्साह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, विपक्ष के खेमे में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से इंटैक्ट रखना चाहते थे और जो एक टेम्पो बरकरार रखना चाहता था विपक्ष, वो ममता बनर्जी के बाहर निकलने से और सीटों का बंटवारा कई जगह न हो पाने से थोड़ा डाउन हुआ है। हालांकि एनडीए में भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तेजी से चला था, बीच में कहीं ना कहीं उसकी तेजी धीमे पड़ गई, रफ्तार धीमे पड़ गई। और प्रधानमंत्री और बीजेपी जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहे हैं, विपक्ष के पास कोई इस तरह की संख्या आज के दिन में वो क्लेम कम से कम नहीं कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें ला सकते हैं, या कोई दम ठोक करके, खम ठोक करके कोई नेता इस तरह से कन्विंसिंग नहीं बोल रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए लोग उदाहरण देते हैं विपक्ष की तरफ, 2004 का जब इंडिया शाइनिंग बीजेपी लेके आगे बढ़ी थी लेकिन कांग्रेस से सरकार आ गई थी, तो कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता ये जो मौन है जनता या वोटर, उन पर रिलाई कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको लोग समझ रहे हैं और समय आने पर वो उनके पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन माहौल की अगर बात करें, उत्साह की बात करें, तो दोनों खेमे में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। पर संतर का असर अरुण चुनाव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार रवि का भी रुक कर लेंगे। रवि, अगर पिछले बार के चुनाव की बात करें, साल 2019 की और साल 2024 की, तो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पर क्या लग रहा है कि कितने चरणों में किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, और आज तो राज्य की विधानसभा चुनाव की भी तारीखों का ऐलान होना है। देखिए एक ही साथ में, चाहे वो लोकसभा की चाहे 4 राज्यों की बात हो,
उसमें अरुणाचल है, आंध्र है, सिक्किम है, ये तीन चार जो राज्य हैं उनके एक साथ में चुनाव कराने की बात चल रही है। और फिलहाल शाम के 3 बजे ये पूरी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा कि कौन कौन सी तारीखें हैं। लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि 6 से 7 चरणों का ही होता है जो पैटर्न, हालांकि 2014 में उससे ज़्यादा कहीं हुआ था, 2019 में जो अनाउंसमेंट हुआ था वो पहले हुआ था। आज 16 तारीख है तो 16 तारीख में अनाउंसमेंट होने जा रहा है। लेकिन इस समय मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की, तो बीजेपी के खेमे में यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर पर हुई लगातार जो बैठकों का दौर इस दौरान चलता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, इनकी अगुवाई में लगातार सीएसी की बैठकें भी हुई हैं और एक एक करके जो सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी होती रही है। तो लगभग 250 से ज्यादा ऐसे नाम हैं वो क्लियर हो चुके हैं, और ऐसे वो नाम हैं जिन राज्यों में किसी भी तरीके का कोई पेच नहीं था, जहां पर बीजेपी किसी भी तरीके के किसी दूसरी पार्टी में संगठन में नहीं थी, दूसरी पार्टियां उसकी सहयोगी दल नहीं थी। लेकिन बीजेपी देखिए 2014 में भी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, किसी भी दूसरी पार्टी के साथ में सहयोग की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद 2019 में भी उसने सहयोगी दलों का साथ लिया, और 2024 में तो ज्यादा विस्तार करने की कोशिश है, जिससे कि ये जीत का जो आंकड़ा है। सहयोगी हमारे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आ चुकी लोकसभा और राज्य में कुछ विधानसभा की जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान होना है, क्या गहमा गहमी लखनऊ में दिखाई दे रही है? देखिए अभी तक फिलहाल जो है तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चुनाव आयोग करेगा तो तारीखों का ऐलान होगा, कितने फेजेस में होंगे बताया यही जा रहा है कि 6 से 7 फेजेस में होंगे। और उत्तर प्रदेश में चूंकि 80 लोकसभा सीटें हैं तो यहां भी 6 से 7 फेजेस में चुनाव होंगे जैसे पिछली बार हुए थे। मेरे साथ यहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, चूंकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ लेकिन चुनावी पारा जो है लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में चढ़ चुका है। चुनावी मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार के चुनावी? विकसित भारत, भारत के उत्थान के लिए जो शख्स काम करेगा उसके सहयोग में हम लोग मदद करेंगे। अब ये जो वर्तमान में सरकार है पूरे देश में दलितों पिछड़ों के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, इसलिए पुनः इस सरकार को दोबारा बननी चाहिए। आप क्या कहते हैं मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार चुनावी, क्योंकि 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देंगे। चुनाव मुद्दे जो भी हैं तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन मेन इस समय फोकस है कि बिजनेस को, यानी जो बेरोजगार लोग हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं उनको मतलब पार्टियां किस हिसाब से उनकी मदद करेंगी, इस पे हमारा मुख्य मतलब ये ध्यान है। बाकी जो है जिसकी भी सरकार बने, लेकिन अभी तक का गुड़ागढ़ मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल अमित, और इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा किसकी सरकार बनती है, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मैं फिर लौटूंगी आपके पास, दिवाकर भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले ये सुन लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। दिवाकर मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, दिवाकर का भी रुक कर लेते हैं। दिवाकर, इस बार पश्चिम बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र भी राजनीति का एपी सेंटर बना हुआ है, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वहां पर क्या कुछ मिजाज? देखिए यहाँ पर असमंजस की स्थिति दोनों गठबंधनों में बरकरार है, हालांकि एनडीए में थोड़ी थोड़ी स्थिति अब साफ होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहली लिस्ट महाराष्ट्र को लेकर जो जारी की थी उसमें 20 लोगों के नाम है। एकनाथ शिंदे गुट की जो लिस्ट है वो सोमवार को माना जा रहा है कि पहली लिस्ट उनकी आ सकती है, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बिगड़ी हुई स्थिति दिख रही है वह महाविकास आघाड़ी में करीब 7 से 8 बैठकें हो चुकी हैं, वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर अब भी विवाद बरकरार है। सबसे ज्यादा जो विवाद है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच है, 10 से 12 सीटों को लेकर लगातार ये विवाद है, और जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी भी इस वक्त जो है महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, और कल मुंबई में उनकी एक बड़ी सभा भी होनी है, और माना यह जा रहा है कि सभा के बाद खुद राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे तीनों की एक बड़ी बैठक होगी, और उस बैठक में यह माना जा रहा है कि जो सीटों का बंटवारा है वो तय हो जाएगा। लेकिन अब तक जिस तरह से मनमुटाव देखने को मिला है, और साथ ही साथ प्रकाश अंबेडकर ने जिस तरह से महाविकास को झटका दिया है, प्रकाश अंबेडकर ने 12 सीटों की मांग की थी, 4 सीटें देने के लिए महाविकास आघाड़ी तैयार हुई है, उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी के लिए वो भी है। अब ऐसे में तारीखों के ऐलान के बाद क्या क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे सहयोगी भवानी भी लगातार मेरे साथ बने हुए। भवानी, विधानसभा चुनाव में हम पहले देख चुके हैं कि आखिर क्या हालात जो है तमाम विपक्ष के हुए,
लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तमाम सियासी पार्टियों की क्या तैयारियां? देखिए, आप इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में खड़ा हूं और आप देखिए कि माहौल यहां पर शुरू बन गया है। आज ही बीजेपी के अंदर कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, लगातार ये सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो रहा है, जाहिर तौर पर तैयारी हो रही है। पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ में, क्या अब तो आज तो चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है, कितनी तैयार है बीजेपी? बहुत ज़्यादा जोश से तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव के अंदर? मुद्दा तो वही है जो पहले चला आ रहा था, वही बेरोजगारी का था, जो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, बीजेपी अच्छा काम, रोजगार दे रही है? हाँ जी। और क्या बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है आपको चुनाव के अंदर कांग्रेस से मुकाबले में? जी, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने ज्यादा किया था। किसने किया भ्रष्टाचार? कांग्रेस ने। अब तो सरकार बीजेपी की है राजस्थान में भी और केंद्र में भी। जो आपने भ्रष्टाचार की बात की है, जो 70 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी को कोई मुद्दे की आवश्यकता नहीं। उन्होंने सबसे बड़ा श्री राम मंदिर का भव्य आयोजन किया है, उद्घाटन किया है, जो 500 सालों से अपने जो पुरुषों ने जो बलिदान दिया है। आपको लगता है राम मंदिर बड़ा मुद्दा, आपको क्या लगता है? मैं एक्चुअली प्रोफेसर नीलम यादव और मैं कांग्रेस विचार विभाग में रही हूँ। अच्छा, कांग्रेस विचार से, एक कांग्रेस विचार। टुडे आई हैव कम टू जॉइन बीजेपी अलोंग विद डॉक्टर करण सिंह यादव एंड वी विल कैंपेन फॉर। आप बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आई हैं? yes, कांग्रेस से संबंधित? yes, हैं? yes, करण सिंह यादव सर। yes, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? बिकॉज हमारा जो विश्वास है वो मोदी गवर्नमेंट में ज्यादा है, बिकॉज इसमें जो